नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है रादौर के आज के मुख्य समाचार। लोहे के बैन से टकराकर बाइक सवार हुआ गंभीर रूप से घायल। आंदोलन में भाग लेने वाले किसानों को भारतीय किसान यूनियन नेता चुडूनी ने किया सम्मानित। बाल विवाह के नुकसान बारे रैली निकाल किया जागरूक। डीएवी संस्था ने स्थापना दिवस पर शिविर लगाकर बुझाई लोगों की प्यास। साइबर क्राइम विषय पर हुआ एक्सटेंशन लेक्चर का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। बाइक से गुजर रहा एक युवक एसके मार्ग पर गांव दोड़ंग के समीप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे रखे लोहे के बैन से टकरा गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों ने मामले की सूचना डायल 112 पर दी, जिसके बाद रादौर डायल 112 की गाड़ी मौके पर पहुंची और घायल को रादौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंची, लेकिन हालत गंभीर होने पर उसे यमुनानगर रेफर कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार औरंगाबाद निवासी सुमित कुमार अपनी बाइक पर दोड़ंग के समीप से गुजर रहा था। अचानक उसका बाइक पर संतुलन बिगड़ गया, जिससे वह सड़क किनारे रखे लोहे के बैन से टकराकर गंभीर रूप से घायल हो गया। किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले किसानों को भारतीय किसान यूनियन द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। बुधवार को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चुडूनी ने कलेसरा गांव के किसानों को आंदोलन में सहयोग करने के लिए आभार जताया। इस मौके पर उन्होंने किसानों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर भारतीय किसान यूनियन नेता गुरनाम सिंह चुडूनी ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा फसलों के आयात पर रोक और पेस्टिसाइड के दाम बढ़ाकर किसानों की कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर किसान विरोधी सरकार के विरुद्ध पूरे देश को इकट्ठा कर बड़ा आंदोलन लड़ने की जरूरत है। महिलाएं बाल विकास विभाग की ओर से क्षेत्र के कई गांवों में बाल विवाह विषय पर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें CDPO कुसुमलता ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता सर्कल सुपरवाइजर मीना काम्बोज ने की। कार्यक्रम में महिलाओं व युवतियों ने भाग लिया। इस दौरान उन्हें कम आयु में शादी करने के नुकसान के बारे में जानकारी दी गई और ग्रामीणों को कम आयु में शादी करने का विरोध करने के लिए रैली निकालकर जागरूक किया गया। इस अवसर पर CDPO कुसुमलता व मीना काम्बोज ने बताया कि कम उम्र में शादी कानूनन अपराध है। सरकार की ओर से लड़कियों की आयु 18 वर्ष और लड़कों की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। डीएवी संस्था के स्थापना दिवस पर बुधवार को आर्या युवा समाज द्वारा प्रिंसिपल रमन शर्मा की अगुवाई में ठंडे व मीठे पानी की छबील लगाकर भीषण गर्मी में लोगों की प्यास बुझाई गई। इस मौके पर प्रिंसिपल रमन शर्मा ने बताया कि 1 जून 1886 में महर्षि दयानंद सरस्वती जी के आदर्शों को बनाए रखने व पूरा करने के लिए डीएवी संस्था की स्थापना की गई थी। उन्होंने कहा कि डीएवी संस्था का शिक्षा के साथ साथ अनेक सामाजिक व धार्मिक कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। शर्मा ने कहा कि इस भीषण गर्मी में प्यास से व्याकुल किसी व्यक्ति को पानी पिलाना एक नया जीवन देने के समान है। MNL कॉलेज रादौर में बुधवार को महिला प्रकोष्ठ द्वारा साइबर क्राइम विषय पर एक एक्सटेंशन लेक्चर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में DSP रादौर मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर DSP रजत गुलिया ने साइबर क्राइम किस किस तरह से होता है और हम इसका कैसे निवारण कर सकते हैं, इस पर महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज हम स्मार्टफोन का उपयोग विभिन्न तरीकों से करते हैं तो साइबर क्राइम की रोकथाम समय की मांग बन जाती है, ताकि हम किसी भी अपराध का शिकार ना हो सकें। इस मौके पर उन्होंने साइबर क्राइम के अनेक उदाहरण देते हुए छात्र छात्राओं को सजगता से स्मार्टफोन का उपयोग करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर दीपक कौशिक और प्रकोष्ठ की कन्वीनर डॉक्टर माला शर्मा ने साइबर क्राइम पर बच्चों को महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए DSP का आभार जताया। रादौर व आसपास की खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार।